मुझे कुछ गलतफहमी नहीं हुई है, सब कुछ तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है। आप बिना वजह टेंशन ले रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, पर तुम एक काम करो। क्या? तुम अपने घर चली जाओ। क्यों? क्यों की क्या बात है, अपने घर चली जाओ कुछ दिन पे, आंटी को तुम्हारी जरूरत होगी। और कुछ दिन से मुझे तुम भी कुछ डिस्टर्ब लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब यही मेरा घर है। अच्छा तो तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, उनसे मिलने चली जाओ। आप घुमा फिरा के फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, और जहां तक अम्मी की बात है तो वहां पे हिना भी है, वो उनका ख्याल रख सकती है। तुम्हें लगता है कि जैसा ख्याल तुम रख सकती हो उनका, हिना रख पाएगी वैसा ख्याल? वो तो चाहती नहीं है कि मैं उसके घर आऊं। क्यों? पता नहीं, शुरू से ही बदमिजाज है, आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही है। अब उसको कोई समझाने वाला भी तो नहीं है, और यासिर उसका शौहर, वो तो मुझे इस काबिल नहीं लगता कि किसी को कुछ समझा सके। कोई भी हो, वो किसी की बात नहीं सुन सकती, कोई सही बात भी करे तो वो गलत मतलब ही निकालती है। खैर, अगर ये मसला है तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। बात मेरी मर्जी की नहीं है, मैं तो हालात देख के फैसला कर रही हूँ। देखो, हिजाब वो तुम्हारा भी घर, तुम अपनी अम्मी से जब चाहे जाके मिल सकती हो, तुम्हें कोई रोक थोड़ी सकता है इसके लिए। कुछ दिन की बात है, हिना नॉर्मल हो जाएगी तो खुद फोन कर लेगी, फिर चली जाऊंगी। मुझे लगता नहीं है कि कुछ समझेगी, ये तो साइको केस लगता है। लेकिन अब ये बात हिजाब को कौन समझाएगा?